हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं मुस्तफा के टीजर 1, 2, 3, 4, 5 का रिएक्शन। एंड इसके जो प्रोमोज हैं, टीजर्स हैं, उनका सबका साथ में लेके आए रिएक्शन। बिकॉज लोगों में कह रहे थे कि टीजर का रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो बिकॉज ये था कि टीजर जो थे एक एक दिन में आ रहे थे, तो हमने सोचा एक साथ आएंगे तो उसके साथ ही एक कंपाइलेशन करके कर लेंगे। तो वो हम कर रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं सारे टीजर कैसे होते हैं। और ये जो है, पहले तो इसका नाम भी नहीं पता था इसका नाम क्या है, क्योंकि लोग वही जो टाइटल डाल रहे थे वो कमिंग सून सिर्फ यही डाल रहे थे एंड उसके साथ टीजर लॉन्च करते हैं। लेकिन अब पता लगा इसका ये नाम है। एंड इसमें जो हमारी खानी की जो फेवरेट जोड़ी है वो साथ में आ रही है। और खानी में हमने देखा हुआ कितना कमाल का उन दोनों का था कि वहाँ पे एक कब कह सकते हैं कि ब्रैट, रिच ब्रैट का रोल प्ले कर रहे थे वहाँ पे फिरोज खान। एंड यहाँ पे जो थी खानी जो थी वो बिल्कुल उस तरीके से कि सना जावेद जो थी वो बिल्कुल एकदम रोने वाली और बिल्कुल त्रस्त होने वाली लड़की का रोल प्ले कर रही थी। अब देखते हैं फिर यहाँ पे क्या। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं फिरोज़ खान की एक्टिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और खाने में उन्होंने जो एक्टिंग कर रखी है ना, वो कोई बोल ही नहीं सकता कि वो एक्टिंग है। लिटरली मैं ऐसी थी जब उनकी मैंने वीडियो मतलब वो देखा था, कि मैं ऐसी थी कि मेरा उन पर दिल्ली आ गया था उनकी एक्टिंग पर। और सना जावेद की एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस हैं, मुझे मोस्टली सबकी ही अच्छी लगती है एक्टिंग। और इसका और मुझे ऐसा लगता है अगर हम शायद एक एक ट्रेलर पर या टीजर पर ऐसे रिएक्ट करते ना, तो हमारे को मज़े भी नहीं आते होते और एक्साइटमेंट तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती। और अगर आज जैसे हम लोग सारे के साथ ही रिएक्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इससे ना हमारे हमारे में बहुत ही कुछ जितनी एक्साइटमेंट पैदा होने की ना, उससे भी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाएगी इसको देखने के लिए। तो देखते हैं टीजर्स कैसे होने वाले हैं। और ऊपर से अभी तक ये पता लगा कि 13 दिसंबर को आ भी रहा है, तो ये अभी स्टार्ट भी होने वाला है जो सीरियल है, ड्रामा जो है। तो भाई देखते हैं इसके टीजर कैसे होते हैं। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पीछे मोहब्बत का खेल नहीं, नजरिए और सोच का टकराव है। हार और जीत की जंग है। जंग बहुत बेरहम होती है। मैं अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाऊं तो मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वो प्लानिंग के मातहत होता है। तुम्हें पाने के लिए, अपना बनाने के लिए क्या कुछ किया है मैंने। ये रिश्ता मेरे और उसके बीच मोहब्बत का है। अगर वो इस रिश्ते को जंग में तब्दील करना चाहती है तो मुझे बता देना। मुस्तजाब अहमद को हारने की आदत नहीं है। वाह, ये ऐसा ही कुछ लग रहा है कि यहाँ पे अगेन वो थोड़े रिच आदमी है और वो कुछ पंगा वाला काम करते हैं। मैं ना रहूं, तुम ना रहो। वाह। नजरों में रहे मंजिल का निशान, तलवों से लहू को बहने दो। ये खेल अना का खेल नहीं, क्या ये दर बदरी का सौदा है। तो आओ हम ये तय कर लें। जो रब ने कहा वही होना है, जो रब ने कहा वही होना। क्या बात है, क्या बात है। ये तो एक सनफ्लावर की तरह निकल के आई है ना। एंड वहां पे वो ऐसे हैं कि भाई इसने मेरे से लड़ाई की है, ये किया है। मुझे ना बहुत दो अलग अलग पर्सनालिटीज दिख रही है। वही काम और कितने ठंडक वाली लग रही है। नहीं, स्टाइल तो देखो। ये पूरे प्यार में खो चुके हैं। बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। अरे है, क्या सॉन्ग है। क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना
पहले दूसरे टीजर से तो बिल्कुल अलग है। हाँ। इसमें भी वो रिच ब्रैट वाली वाइब तो आ रही हाँ, है हाँ, फिरोज हाँ, खान से। हाँ, मुझे भी। जिंदगी मेरे लिए एक बेखुदी का जाम है, ये खुशबुओं का शहर है और जुगनुओं की शाम है। मैं दिलबरों का मीर हूँ, मैं आशिकों का हमनवा। लेकिन है मेरी चारागर, तुमसे मिला मैं इस तरह। तेरे नाल अखलड़ी, तेरे नाल अखलड़ी, अखां होया चार, अखां होया चार। तुम रोशनी, तुम जिंदगी, तुम दिलकशी ताबिंदगी। वादा करो, चाहूंगा जितना मैं तुम्हें उतना मुझे तुम चाहो। कि मुझे छोड़ करना चाहोगी। इतना प्यारा है नहीं, पूरी दुनिया की लड़कियां उनको चाहती हैं, पर उनको ये चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो चीज है। बहुत ही क्यूट स्टोरी है। मैं हूं मुस्तजाब अहमद, मैं तकदीर नहीं, तदबीर का कायल। इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, खुद पे बहुत भरोसा है मुझे। मैंने जिंदगी में हर वो चीज हासिल की है जिसको मैंने अपना मकसद बनाया। लड़कियां मेरी जानब यूं बढ़ती हैं जैसे परवाना आग की तरफ बढ़ता है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ दुआ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, पहली नजर में कोई भी लड़की आपसे मुतासर हो सकती है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं शादी के लिए आपको हाँ करूँ। ये ईगो टाइप होगा इसका। हाँ, और फिर वो पूरा काम खराब होगा। लास्ट है नहीं इसका। मैं हूँ मुस्तजाब अहमद, बॉबी। बॉबी? लोग कहते हैं मैं बहुत खास हूँ। मेरी पर्सनालिटी में करिश्मा है, कशिश है, ताकत है। सही कहते हैं। लड़कियां मेरी जानिब यूं बढ़ती हैं जैसे परवाना आग की तरफ बढ़ता है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और अब जिंदगी की हर राह पर सिर्फ तुम ही बनोगी मेरी हमसफर। मेरे साथ कदम मिलाकर चलना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है मुस्तजाब अहमद। यार तो माइंड फक करने वाली चीजें हैं, क्या क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। वही कुछ है तो तुम भी सुन लो दुआ। अब मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा तुम्हें। ओह माय गॉड, अब ये अपने ईगो पे आ गया। मुझे, मैं जितनी बार फिरोज़ खान की एक्टिंग देखती हूँ ना, मैं उनकी लिटरली इतनी बड़ी फ़ैन होते जाती हूँ। इसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसा रोल प्ले करा ना, एक ऐसे आदमी का रोल प्ले करा जो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है, जिसको जो चाहिए वो चाहिए मतलब। और मुझे ऐसा लग रहा था इनको देख कर कि कोई एक्टिंग नहीं थी, जो भी हो रहा है सही में हो रहा है, सच में हो रहा है। और उन्होंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टीजर था उसमें ऐसा मतलब दिखाया गया है कि जो फिरोज़ खान है वो काफ़ी ऐसे इगोइस्टिक है, जिनका जिन पर लाइक लड़कियाँ मरती है, जिनके पास सब कुछ है दुनिया में, तो मतलब लाइक ऐसे जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान टाइप दिखा रखा। और जो सेकेंड है उसमें वो उस लड़की का दिखा रखा है कि मतलब जो एक बहुत ऐसी डाउन टू अर्थ है, जिसको मतलब सादगी से प्यार है ऐसी सी। और मुझे सेकंड जब टीज़र दिखा तो मुझे बहुत दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी दिखी, कि एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, एक बहुत इगोइस्टिक, जिसको एक को पैसे का गरूर, जिसको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती है। तो मुझे सेकंड टीज़र में ऐसा लग रहा था। और थर्ड टीज़र में हमें पता लगा कि भाई जो फिरोज़ खान है वो तो उनसे प्यार करता है। तो फोर्थ में भी यही था कि इनका ही दिखाया था, और फिफ्थ में मतलब इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं तुम हम साथ नहीं रह सकते। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो लड़की इसलिए साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वही, क्योंकि उनको शायद ये है कि तुम बहुत इगोइस्टिक हो, तुम घमंडी हो, तुम्हें ये है तुम वो है, और मैं एक तरफ जो हूँ वो बिल्कुल ऐसे डाउन टू अर्थ हूँ। और जो फिरोज़ खान है, मुझे इसकी सबसे अच्छी एक चीज़ लगी, इन पर सारी लड़की ऐसे मरती है, सब चाहती है इनको डेट करना, लेकिन ये सिर्फ एक लड़की पर ही ऐसा करते हैं। मतलब इनको ये चाहते हैं कि सिर्फ ये इसके साथ रहे, और वो लड़की उसको मना कर देती है।
तो फिर इनकी ईगो पे वो बात आ जाती है कि यार क्यों ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जो लास्ट में ना उनका वही इगोइस्टिक वाला दिखा रखा था नेचर कि भाई मैं तुम्हें तुमसे छीन लूंगा, तो मैं ऐसी थी कि यार ये क्या है। मतलब मैं जितना फिरोज खान की एक्टिंग की तारीफ करूँ ना कम है, मैं जितना इनको मतलब देखती हूँ मुझे इनसे इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग अच्छी थी। और मैं सीरियसली बोलने वाली हूँ, ये जो ड्रामा होने वाला है, ये आग लगाने वाला है, बहुत ही अच्छा ड्रामा होने वाला है। और ये कहना कि आप कह सकते हो खानी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, जैसे हाँ। अगर आप खानी में देखो तो खानी में भी यही था कि वहाँ पे भी ये फिरोज खान इगोइस्टिक थे, एंड जो लड़की थी सना जावेद थी वो भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं ना सिद्धांतिक काइंड ऑफ थी कि जो उसने सोच लिया वही करेगी एंड वो अपनी वैल्यूज़ को जान नहीं देगी। यहाँ पे भी आपको सेम फील आती है कि वो लड़की ने कुछ ऐसा फील किया या तो उसके ईगो की वजह से या फिर ऐसा कुछ हुआ, बिकॉज खानी में तो हमने देखा था कि क्योंकि उसके भाई को मार दिया गया था तो उसके बाद से फिर पूरा ऐसा हो गया था, वो ऐसी हो गई थी कि मैं इस आदमी के साथ मैं कभी नहीं जाऊँगी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि वो बिल्कुल इस आदमी को पसंद ही नहीं करती। एंड मुझे थर्ड टीजर दिखाया जाता था, कितना प्यारा लग रहा था कि दोनों इतना पास आ गए, वो गाना भी इतना प्यारा बज रहा था, बट फिर पता लगा कि वो तो सिर्फ फिरोज खान की इमेजिनेशन थी कि वो ऐसा इमेजिन करते कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। एंड उसको उन्होंने जैसे वही बताया कि मैं जो चीज़ सोचता हूँ मेरे को मिल जाती है, मैंने कोई चीज़ आज तक छोड़ी नहीं है, ये आज तक मेरा एटीट्यूड रहा है। लेकिन यहाँ पर अब इसकी कैसे हिम्मत है कि ये मेरे से दूर जाके दिखाए। अब इसमें यही है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी, बिकॉज वो जो है उनके रोड में मतलब उनकी रोड में बहुत सारे कंडे डालेंगे, उनको परेशान करेंगे, और फिर वो किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे एंड एंड कैसा होने वाला है मेरे को पता है, बहुत दुखी होने वाला है। तो पता नहीं क्या होगा, आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।